बड़ी खबर है मंदसौर से, जहां पर पशुपतिनाथ महादेव की प्रतिमा के मुख पर दरार आ गई है। मंदसौर से बीजेपी के पूर्व विधायक रही यशपाल सिसोदिया ने चिंता जाहिर की है। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बनाकर जानकारी से सलाह लेकर प्रतिमा के क्षण को रोका जाए, ये बात कही यशपाल सिसोदिया ने। अष्टमुखी नयनाभिराम विश्व की अद्वितीय भव्य और दिव्य नयनाभिराम प्रतिमा भोले बाबा पशुपतिनाथ महादेव की विराजित है। शिवना नदी में से यह प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ऊपर के मुख में दरार आना हम सबके लिए चिंता का विषय है। प्रतिमा के शरण के लिए, उसके संरक्षण के लिए आज श्रावण के प्रथम सोमवार को जब मुझे सुबह इस बात की जानकारी मिली कि ऊपर के मुख में बड़ी दरारें आना प्रारंभ हो गई है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, डॉक्टर मंदसौर श्री दिलीप कुमार यादव जी को भी मैंने एक्स पर इस आशय की जानकारी दी है। तो ये जानकारी भी दी गई और चिंता भी जाहिर की है पूर्व विधायक के द्वारा, प्रतिमा को शरण से रोका जाए क्योंकि इस प्रतिमा में दरार आई है और ये वाकई में चिंता की बात है। पूर्व विधायक रहे यशपाल सिसोदिया ने चिंता जताई इसको लेकर और कहा कि प्रतिमा को शरण से रोका जाए। पशुपतिनाथ महादेव की प्रतिमा के मुख पर दरार कैसे आई, ये बड़ा सवाल है और जो दरार आई है उसको लेकर चिंता भी जाहिर की है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, प्रतिमा में दरार कैसे आई, दरार आई है तो उसको लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही है। देखिए संभव, आज सावन का पहला सोमवार है, सुबह भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे और जब पूजा करने के दौरान एक भक्त को नजर आया कि पशुपतिनाथ मंदिर में भोलेनाथ की प्रतिमा में मुख पर ही आगे की तरफ भी दरार आई और वो काफी छोटी मोटी दरार नहीं, करीब ये कह सकते हैं 3 से 4 फीट की दरार नजर भी आ रही है और News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी उस वीडियो को चलाता हुआ नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं जिसके अंदर काफी बड़ी दरार है और इसी को लेकर वहां से बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं यशपाल सिसोदिया उनकी तरफ से चिंता व्यक्त की गई है और बकायदा उनकी तरफ से विशेषज्ञों की टीम बुलाने की मांग की गई है कि एक विशेषज्ञों की टीम बुलाना चाहिए जिसके अंदर पुरातत्व विभाग के अधिकारी होना चाहिए और तमाम विशेषज्ञ होना चाहिए और इसकी पड़ताल करना चाहिए कि आखिर ये किस कारण से मुख पर दरार आई है और इसके साथ साथ बात की जाए तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा, इसको लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया है और मुख्यमंत्री से अपील भी उनकी तरफ से की गई है। लेकिन इस पूरे मसले पर बात की जाए संभव तो मध्य प्रदेश की सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि पिछले सावन की बात की जाए तो पिछले सावन में महाकाल कॉरिडोर में हादसा हुआ था और इस बार सावन महीने की बात की जाए तो पशुपतिनाथ भगवान की प्रतिमा में दरार आ गई, यानी भगवान भोलेनाथ जो है वो बीजेपी से नाराज है, इसी के कारण बार बार इस तरीके का हो रहा है। यानी ये सियासत अलग मुद्दा है लेकिन चिंता उस चीज की हो रही है कि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जो भोलेनाथ जी की मूर्ति है वो आखिर क्यों उसके मुख पर दरार आई है, ये तमाम चीजों अब जांच का विषय है। ठीक है शबीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पशुपतिनाथ महादेव की प्रतिमा के मुख पर दरार आने के बाद चिंता व्यक्त की जा रही है, सवाल भी कई सारे खड़े किए हैं और इसी को लेकर चिंता जताते हुए ये अपील भी की गई है कि इस प्रतिमा का शरण किया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं जो ये प्रतिमा है। एक तरफ सावन का महीना शुरू हो चुका है, सावन का सोमवार है और वहीं काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इस बीच चिंता व्यक्त की जा रही है इसको लेकर।